यदि दोस्तों आपके भी फ़ोन के सेटिंग में ऐप हाइड का ऑप्शन आप सर्च कर रहे हैं, चाहे कुछ भी कर रहे हैं बट नहीं मिल पा रहा है, आप वीडियो देख देख कर थक चुके हैं, आपके फ़ोन में ऐप हाइड का ऑप्शन शो ही नहीं कर रहा है सेटिंग में कहीं भी, तो आप इस वीडियो का अंत तक देखते रहिए। दोस्तों आपका कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, आपके फ़ोन में ऐप हाइड का ऑप्शन नहीं शो हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, तो इस वीडियो का अंत तक देख लेते हैं तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ऐप हाइड का ऑप्शन कहाँ पर मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों आपके सेटिंग में पूरा सेटिंग ढूंढ लिए हैं फिर भी आपके ऐप हाइड का ऑप्शन नहीं मिल पा रहा है, तो आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, आपका किसी भी कंपनी का फ़ोन हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐप हाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करता हूँ। अपने फ़ोन के सेटिंग को ओपन कर लेना है। रेडमी का फ़ोन होगा तो आपको ये तरीका आपको करना है, ठीक है। मैं सारे फ़ोन का बताने वाला हूँ, आपके कोई भी कंपनी का फ़ोन हो आपको ये सेटिंग ऑन करना है सबसे पहले, तभी आपके फ़ोन में ऐप हाइड का ऑप्शन शो होने लगेगा, ठीक है। आपको अपने सेटिंग में आ जाना है। में आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, ठीक है। आपको ऐप पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन आएगा ऐप लॉक का, ठीक है। आपको ऐप लॉक को जाकर यहाँ से ऐप लॉक पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको अपना पैटर्न लॉक दे देना है, पासवर्ड जो भी आपका स्क्रीन लॉक है उसे देकर आपको ऐप लॉक का ऑप्शन होगा इसे इनेबल कर लेना है, ठीक है। आपको ऐप लॉक का यहाँ पर ऑप्शन दिखा रहा है, इसे ऑन कर लेना है, भले आप किसी ऐप में लॉक लगाए या ना लगाए, ठीक है। आपको ऐप लॉक का ऑप्शन इनेबल यहाँ से कर लेना है, उसके बाद यहाँ से बैक आना है। बैक आने के बाद आपको यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको सेटिंग में ही ढूंढना है, प्राइवेसी का, ठीक है। आप लिखिएगा प्राइवेसी, आपको प्राइवेसी लिखेंगे तो वहाँ पर आ जाएगा, या तो सेटिंग में ही आप ढूंढ लीजिएगा प्राइवेसी का ऑप्शन कहीं दिख रहा है तो देखिए यहाँ पर प्राइवेसी का ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। आपको ऐप लॉक इनेबल कीजिएगा तो प्राइवेसी का भी ऑप्शन आपके फ़ोन में आ जाएगा, ठीक है। आपको ऐप लॉक किसी भी कंपनी का आपका फ़ोन हो आपको सबसे पहले सेटिंग ऑन कर लेना है, उसके बाद प्राइवेसी में आना है। दो ऑप्शन मिलेगा, एक परमिशन का, एक प्राइवेसी का। तो यहाँ पर प्राइवेसी पर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो देखिए हिडन ऐप का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ से जाकर आप ढूंढ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद नहीं मिल रहा है तो आपको लिखना क्या है, आपको देखिए यहाँ पर सेटिंग में आ जाना है और सबसे ऊपर में आपको यहाँ पर सर्च बार का एक ऑप्शन मिलता होगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर लिखना है हिडन, हिडन आपको हिडन लिखना है, या तो हाइड ऐप्स लिखना है, ऐप हाइड लिख कर सर्च करना है, आपको ट्राई करना है। आप पहले ऐप हाइड लिख कर सर्च कीजिएगा, उसके बाद हाइड ऐप लिख कर चेक कीजिएगा, उसमें आता होगा या तो नहीं आता होगा, तो आपको हिडन ऐप्स लिखकर सर्च करना है, आपके फ़ोन में आ जाएगा। रियलमी का फ़ोन होगा तो आ जाएगा, रेडमी का फ़ोन होगा तो आपको ऐप लॉक का इनेबल करने के बाद ही आपको ऐप हाइड का ऑप्शन मिलता है, और वीवो का फ़ोन होगा तो भी आपके ऐप लॉक इनेबल कीजिएगा तो ही आपका ऐप हाइड का ऑप्शन मिलेगा। ओप्पो का भी होगा तो वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ऐप हाइड को इनेबल कर लेना है, ऐप लॉक को, उसके बाद ऐप हाइड को आप सर्च कीजिएगा, हाइड ऐप आपके फ़ोन में सेटिंग मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो आपको करना क्या है दोस्तों, सेटिंग में आना है, उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा ऐप्स का, आपको ऐप पर क्लिक कर देना है, उसके बाद ऐप लॉक पर क्लिक करना है, ऐप लॉक पर क्लिक करके आपको पैटर्न लॉक दे देना है, उसके बाद आपको यहीं पर एक और सेटिंग मिलता है, किसी किसी फ़ोन में यहीं पर मिल जाता है, आपको एक ऑप्शन मिल रहा होगा सेटिंग का, ऊपर से ध्यान से देखिए यहाँ पर ऐप लॉक के ऊपर, ठीक है। तो आपको सेटिंग पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर भी किसी किसी फ़ोन में आपको ऐप हाइड का ऑप्शन मिल जाता है, आप ढूंढिएगा मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद भी नहीं मिलता है तो आपको अपने फ़ोन के सेटिंग में ही आना है, फिर से आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड एंड सिक्योरिटी का, आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर भी किसी किसी फ़ोन में आपको ऐप हाइड का ऑप्शन मिल जाता है, आप हिडन ऐप्स लिख कर सर्च कीजिएगा सेटिंग में, या ऐप हाइड लिख कर सर्च कीजिएगा। पहले आपको ऐप लॉक को इनेबल करना है, उसके बाद ही काम करना है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा। उसके बाद भी नहीं मिलता है दोस्तों तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में आप लिख दीजिएगा कि आपका मोबाइल कौन सा मोबाइल है और मॉडल कौन सा है, उसके बाद आपको लिखना है कि नहीं मिल रहा है, ठीक है। मैं आपको उसे आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने का कमेंट बॉक्स में ही सॉल्व करने का कोशिश करूंगा दोस्तों, तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिएगा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो आप लिख दीजिएगा कि नहीं मिल रहा है ब्रो रियलमी 5, आप जो भी फ़ोन होगा आपको लिख कर वहाँ पर कमेंट कर देना है। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद।